मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा जनपद में, हरियाणा प्रदेश में पहली नंबर की विधानसभा माँ कालका, जगत जननी माँ भगवती कालका के नाम से ही है। और मुझे भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार का शुभारंभ करने का सौभाग्य यहाँ पर माँ कालका के धाम से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आपकी लोकप्रिय विधायक श्रीमती लता शर्मा जी के लिए इस प्रचार का शुभारंभ करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, हम लोगों ने अभी हाल ही में शारदीय नवरात्र का आयोजन बहुत हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया है। हम माँ जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा नौ तिथियों में करके सबके कल्याण की कामना करते हुए माँ जगत जननी से भक्ति और शक्ति दोनों मान दोनों प्रकार की कामना करते हैं। यह देश आज जिस यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरा दुनिया भारत के इस आर्थिक वैभव को और सामरिक ताकत का एहसास आज कर रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। हर भारतीय नागरिक, हर सनातन धर्मावलंबी शारदीय नवरात्र में माँ जगत जननी भगवती की पूजा करता है, उनका अनुष्ठान करता है शक्ति अर्जित करने के लिए। और आपने देखा होगा जब विजयादशमी के दिन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश की रक्षा सेनाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस में राफेल विमान जो दुश्मन के दांत खट्टे करने की क्षमता रखता है उसका शस्त्र पूजन कर रहे थे, जो कांग्रेसी हंस रहे थे। भाइयों, अपने देश की ताकत बढ़ने पर जिन लोगों को हंसी आती हो, जिन लोगों को अपने देश के गौरव और वैभव पर सम्मान की अनुभूति न होती हो, उन कांग्रेसियों से कोई उम्मीद आप करते हैं क्या? और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस को यह अच्छा नहीं लगता जब भारत अपने सेनाओं को शस्त्र सुसज्जित करते हुए दुनिया की शक्तिशाली सेना के रूप में खड़ी करता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। जब भारत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के विकास के लिए बाधक और आतंकवाद की जननी बन चुकी धारा 370 को समाप्त करने के लिए कार्य करती है तो कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आतंकवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब मानते हैं ना आतंकवाद समाप्त होना चाहिए? आतंकवाद बुरी चीज है ना? आतंकवाद न केवल मानवता के कल्याण में सर्वाधिक बाधक है, अभी तो विकास की भी सबसे बड़ी बाधा हुई है, तो वह आतंकवाद है और आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए ना। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृहमंत्री अमित शाह जी ने अच्छा कार्य किया है ना। और मुझे लगता है पहले तो प्रत्येक हरियाणा वासी, क्योंकि हरियाणा के किसान और हरियाणा के जवान देश के अंदर बड़े वंदनीय माने जाते हैं, इन्होंने अपने सर और पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से हरियाणा की धरती से सोना उगलने का काम किया है और यहाँ के जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जवानी खर्च की है।
इन्हें देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का एहसास है। इस एहसास को कांग्रेसी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बेमानी और भ्रष्टाचार आज उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। उनको वह चीज अच्छी नहीं लगती जिससे देश का सम्मान बढ़ता है। कांग्रेसियों को वह कार्य अच्छा नहीं लगता जिससे भारत का गौरव बढ़ता हो, भारत के हर चेहरे पर खुशहाली आती हो, वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। और इसीलिए कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध भी किया। नारी गरिमा के प्रतीक जिस अभियान को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो अभियान प्रारंभ किया था, जिसकी अगली कड़ी में हर उस परिवार को जिस परिवार के पास एलपीजी का रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था उन्हें निःशुल्क रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, और उसी की अगली कड़ी थी हर परिवार के पास एक एक शौचालय जिसके पास अपना शौचालय नहीं था। लेकिन उसकी एक और महत्वपूर्ण कड़ी थी जब नारी गरिमा और सम्मान के प्रतीक ट्रिपल तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उठाया था, कांग्रेस ने सभी विरोध किया। भाइयों बहनों, जब हम लोग यहां पर मंच पर आए तब भी मंच पर नारे गूंज रहे थे भारत माता की जय के। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो भी मैंने देखा कि यहां पर दो ही शब्द मुझे सुनाई दे रहे थे, या तो भारत माता की जय के या राम राम के नारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन क्या कांग्रेस के किसी मंच पर ये नारे लगते हैं क्या? क्या कांग्रेस के लोग भारत माता की जय बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, बोलना भी नहीं चाहते। उनको देश का गौरव अच्छा नहीं लगता, देश का सम्मान अच्छा नहीं लगता, उन्हें विकास अच्छा नहीं लगता। न जाने कितने बार कांग्रेस को कालका विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, हरियाणा में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन न तो हरियाणा के विकास को, न पंचकुला के विकास को, न कालका जी के विकास को उन्होंने कभी प्राथमिकता दी। और देश के अंदर भी यही स्थिति थी। अगर कांग्रेस ने 70 वर्षों में विकास कराया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए आवास की घोषणा करने की नौबत नहीं आती। स्वच्छ भारत मिशन में 10 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। सौभाग्य योजना में 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की नौबत नहीं आनी पड़ती। और यही नहीं, स्वास्थ्य बीमा योजना में आयुष्मान भारत में भी देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की नौबत नहीं आती। अगर ये सब कार्य युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इतनी घोषणाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्य योजना, और जैसे लटका जी कह रही थी कि 800 करोड़ रुपए अकेले कालका विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने खर्च किए हैं, अगर एक पैसा ईमानदारी के साथ पूर्व की सरकारें भी खर्च करती तो संभवतः जनता कांग्रेस के नेताओं को सिर आंखों पर बिठाने का कार्य करती। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय तो जमीन के घोटाले हुए थे, 2G के बाद दामाद जी के भी घोटाले पे घोटाले हुए थे यहां पर।
और कांग्रेस के दामाद जी ने तो गुड़गांव से लेकर के पंचकुला तक कोई जमीन नहीं छोड़ी थी जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किया हो। जो लोग बेमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कांग्रेस के नेता उनकी जय जयकार करते हैं। कांग्रेस के नेता भारत माता की और मां कालका की और जय श्री राम के नारे लगाने की स्थिति में नहीं है, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं इसी बात को लेकर के। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की पर्याय बन चुकी और विकास में बाधक बन चुकी धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ले रही है। और राहुल गांधी कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी। भाइयों बहनों, एक पटाखा भी नहीं फूटा जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब चुनाव परिणाम में हरियाणा के लोगों की भावनाओं को राहुल गांधी ने देखा तो राहुल गांधी फिर यहां से भाग खड़े हुए। ननिहाल की याद आ गई, इटली भाग गए, चुनाव के दौरान नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता बार बार इस बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सारे टिकट नीलाम कर दिए, बेच दिए। अब कांग्रेस के पास देश बेचने लायक देश की जनता ने नहीं छोड़ा, हरियाणा बेचने लायक हरियाणा की जनता ने नहीं छोड़ा। अब कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी का ही टिकट बेचने में लगे हैं, कांग्रेस को ही बेचने में लग गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या होने जा रहा है। जिस पार्टी का स्वयं का भविष्य न हो, उस पार्टी से उम्मीद करना कि वह इस प्रदेश के विकास और इसके भविष्य को आगे बढ़ाए, अपने आप में एक कपोल कल्पना मात्र होगी। और मैं कह सकता हूं कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान तेजी के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हर एक क्षेत्र में लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, विकास एक नई गति के साथ आगे बढ़ा है। लोगों ने एक नए विश्वास के साथ एक नई यात्रा प्रारंभ की है। और हरियाणा में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्य हुआ। 72,000 नौकरियां, सरकारी नौकरी हरियाणा के नौजवानों को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने हरियाणा के अंदर दिया है। अब यहां पे हरियाणा में नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद नहीं होता है, अब यहां पर नौकरी के नाम पे लेन देन नहीं होता है। हरियाणा के ही नौजवानों को नौकरी मिल रही है, पुलिस में भी, शिक्षकों में भी, सरकारी विभागों में भी, हर एक विभाग में नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यहां का नौजवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करके हरियाणा का गौरव बढ़ा रहा है। और हरियाणा सरकार की नीतियां व्यापक निवेश को आगे बढ़ा रही हैं, तो हरियाणा सरकार की किसान हितेशी नीतियों के कारण किसानों को आय से दोगुना अधिक दाम देने की कार्रवाई हरियाणा की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार मिलकर के किसानों के जीवन में भी व्यापक खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, ये विकास की सोच है। हमने पहले ही दिन कहा था हम विकास सबका करेंगे लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। हमने नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। हरियाणा के अंदर भी 15 लाख से भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ मिला। श्रमयोगी मानधन योजना में देश के अंदर 4 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। लेकिन ये कार्य कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उनके एजेंडे में विकास नहीं था, सुशासन नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था। उनके एजेंडे में बेमानी था, भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, गुंडागिर्दी और अराजकता थी। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने
पिछली बार भी श्रीमती नटका शर्मा जी को कालका विधानसभा क्षेत्र से और श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को श्री पंचकुला विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया था। दोनों ने मेहनत किया, विकास की एक नई किरण इस विधानसभा के गांव गांव घर घर तक ले जाने का कार्य किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता को देख करके फिर से प्रत्याशी बनाया है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों सुयोग्य प्रत्याशियों को भारी बहुमत से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सबसे मैं कहूंगा आप लोग इन दोनों प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार चाहते हैं, केंद्र में मोदी जी और हरियाणा में मनोहर जी, इन दोनों के नेतृत्व की सरकार आपको चाहिए। तो इसके लिए श्रीमती लता शर्मा जी को, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को भारी पदों से चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे जिताएंगे। दोनों सहमत है ना? तो दोनों को कमल चुनाव चिन्ह पर 21 अक्टूबर को पड़ने वाले मतदान में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।